जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के मूवमेंट से जुड़े नियम बदले, अब काफिले में 40 से ज्यादा गाड़ियों पर पाबंदी। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी, पुलवामा में लश्कर के 4 आतंकी हुए ढेर। जम्मू कश्मीर में खनन माफिया के बढ़ते हौसले, प्रतिबंध के बावजूद दरियाओं खड्डों में सरेआम जारी है अवैध माइनिंग। पैंथर पार्टी के हर्षदेव ने कहा, डोडा किश्तवाड़ में विकास एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। एलओसी पर चौथे दिन भी जारी पाकिस्तान की फायरिंग, एक नागरिक हुआ घायल। पूर्व रा प्रमुख ने कहा, भाजपा के लिए तोहफा है पुलवामा हमला। कांग्रेस ने जारी की 2 उम्मीदवारों की सूची। राहुल गांधी का वादा, सत्ता में आए तो 22 लाख पदों पर करेंगे भर्ती। दिल्ली में आपको नहीं मिला हाथ का साथ। नेपाल में तूफान से भारी तबाही, अब तक 27 की मौत, घायलों की संख्या 400 के पार। राजनाथ सिंह ने कहा, बालाकोट में एयर स्ट्राइक का श्रेय पीएम मोदी को मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा जैश का मोस्ट वांटेड आतंकी, 2 लाख का था इनाम। यूपी के सीएम आदित्यनाथ का विवादित बयान, भारतीय सेना को बताया मोदी जी की सेना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस ने किया देश पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास। इसरो ने फिर रचा इतिहास, लॉन्च हुआ EMISAT।